नमस्कार दोस्तों, आज भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी दुखद घटना घटी। एक होनहार अभिनेता जिन्होंने कहा जाता है कि आत्महत्या की, जिनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। एक दो मूवी मैंने भी उनकी देखी है, जैसे धोनी, तो मुझे काफ़ी दुख लगा। और एक पामेष्ठी का विद्यार्थी होने के नाते मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं डीप में जाऊं कि ऐसा क्या होता है व्यक्ति के जीवन में कि इस तरह का निर्णय लेता है। तो पहला सब्जेक्ट आता है राहु रेखा। राहु रेखा इतनी नेगेटिव फीलिंग हमारे जीवन में देती है कि जिसकी पीड़ा जिस व्यक्ति को काटती है उसे ही पता होती है। जिन जिन को काटी है उनको पता है कि वो कितनी पीड़ा लाएगा। नेगेटिव फीलिंग देती है कंप्लीट, ऐसा लगता है जीवन पूरा हो चुका, कुछ रहा नहीं। अब जब ये राहु रेखा काटती है तो पढ़ा लिखा आदमी जो साइकेट्रिस्ट के पास जाते, हो सकता है मेरी बोलने में गलती हो, आप लोग समझ गए होंगे, जो दिमाग के डॉक्टर होते उनके पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास। आप गांव में देखोगे जब राहु रेखा काटती है तो मैंने जो गांव में स्पिरिचुअल जो काम करते हैं या तंत्र मंत्र का काम करते हैं उनके पास भी जाते देखा है। और कई लोग खुद टेंस उठाते, किसी के पास नहीं जाते, हमारे जैसे लोगों के पास भी आते कि क्यों ऐसे जीवन में रुकावट आई है। ये एक शॉर्ट टेम्परेरी फेस होता है, किसी के 6 महीने का, किसी के 1.5 साल, किसी का साल। मैक्सिमम मैंने अभी तक राहु रेखा जीवन में किसी के देखी है तो 2.5 साल वाले, तो बहुत बड़ा पेन देती है। ये एक मेजर कारण। साथ में कहीं ना कहीं चंद्र पर क्रॉस हो तो आग में घी का काम करता है। और 2 पॉइंट और है जो उनके हाथ को मैंने इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा जब मोबाइल स्क्रीन पर आपको लेकर जाऊंगा। 2 और पॉइंट है। ये 2 पॉइंटों के कारण भी, यानी कॉम्बिनेशन ऐसे मिलाकर ये 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। उनका क्रॉस तो मुझे दिखा नहीं क्योंकि गूगल के फोटो में क्रॉस तो दिखा नहीं, पर जो वस्तुएं मुझे दिखी वो आपको लेकर चलता हूं मैं। चलिए, आप जैसे आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया कि मुझे इस जो दुखद घटना घटी है उसके मेजर 3 कारण लग रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण तो राहु रेखा था, उसमें मैं बाद में आऊँगा। उसके पहले आप इनकी हार्ट लाइन को देखिए, आप ये यहाँ से टच होकर ऐसे जा रही है और ये माइंड लाइन, इसे किताबों में भी डेडली कॉम्बिनेशन बताया गया। हाँ, अभी तक मैंने कभी किसी के व्यक्तिगत जीवन में इस तरह की हार्ट लाइन टच करते देखी नहीं है, पर किताबों में जरूर पढ़ा है कि ये बहुत कॉम्बिनेशन खराब माना जाता है। एक कारण ये। दूसरा, अगर हम कारण गिने तो जब कभी हार्ट लाइन मंगल की तरफ देखती है तो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा रहता है, बहुत ज़्यादा। अब जब राहु रेखा ने तीसरी जगह पर, तीसरा जो पॉइंट है, मैं राहु रेखा पर आऊँगा, जो इसमें भी थोड़ी सी आभास हो रही है, ये देखिए, ये जो राहु रेखा है, ये तीनों मिलकर, यानी हृदय रेखा, मैं राहु रेखा के लिए दूसरा फोटोग्राफ भी है, मंगल की ओर देख रही है, गुस्सा दिला रही है, माइंड लाइन को टच कर रही है ये, और साथ में डेडली कॉम्बिनेशन हो रहा है। और तीसरी चीज ये, अब ये राहु रेखाओं को मैं स्पष्टता के साथ एक और फोटोग्राफ में दिखा रहा हूं। अब ये देखिए, ये यहां पर आपको बहुत बड़ी राहु रेखा आपको दिख रही है, ये वाली। इस राहु रेखा ने बहुत गलत कार्य इनके साथ हुआ। वीडियो में मैंने राहु रेखाओं का बहुत स्पष्टीकरण दिया आप लोगों को, तो पामेष्ठी के हिसाब से ये बहुत शॉकिंग न्यूज था। यानी व्यक्तिगत जीवन के हिसाब से अगर देखें हम एक सामाजिक दृष्टि से, तो ये बहुत शॉकिंग सब्जेक्ट था।
अब उसको एक पामिस्ट्री का विद्यार्थी होने के नाते एक्सप्लोर करने की मेरी इच्छा जगी। नो डाउट गूगल से फोटो लिए, इतने स्पष्ट नहीं है, पर कहीं ना कहीं मैं आपको कुछ समझा पाया रहूँगा, वो हिसाब से मैं ये वीडियो लेकर आया। आप लोगों से एक नम्र विनंती है मेरी, राव रेखा बहुत लोगों को काटती है, बहुत लोगों के हाथ में चंद्र पर क्रॉस भी होता है। हाँ, बाकी के जो दो पॉइंट बताए वो हो सकता है ना हो, पर जो कॉम्बिनेशन दिखाया मैंने हृदय रेखा का, माइंड लाइन को मिलन होना, वो हो ना हो वो चांसेस बहुत कम होते, कई लोगों के हाथ में कम चांसेस नहीं होते, पर राहु रेखा है और चंद्र पर क्रॉस होता ही है। अब राहु रेखा जब काटती है तो आप लोगों को मैं एक बेसिक जानकारी दे दूं, वो उस पीरियड तक ही व्यक्ति को पेन होता, उसके बाद जीवन वापस सेटल हो जाता, रुकावटें निकल जाती है। तो जब आपको ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग आए तो जरा भी टेंशन मत लीजिए, वो पीरियड को निकल जाने दीजिए। आप किसी और के पास भी चले जाओगे, डॉक्टर के पास भी चले गए, तो वो आपको दवाई देगा नींद की, हो सकता है 2-4 महीने में आपको रिलैक्स हो जाए और डॉक्टर को उसका क्रेडिट मिल जाए। हमारे पैसे जैसे कोई पास में आओगे तो हम भी वही कहेंगे कि भाई रुक जाओ, थोड़े महीनों में आपको रिलैक्स हो जाएगा। तो मेरी नम्र विनंती है, अगर राहु रेखा काटती और नेगेटिव फीलिंग आती है तो कभी ऐसा निर्णय मत लीजिए, कभी नहीं। ये एक्सट्रीम लेवल का निर्णय है, इसे मत लीजिए। वो टेम्परेरी फेस होता है हमारे जीवन का, दुख का, 6 महीना, 12 मंथ, 1.5 साल, 2 साल, मैक्सिमम 2.5 साल, इससे ज्यादा की राहु रेखा नहीं होती। हाँ, कहना आसान है, पर वो टेम्परेरी फेस होता है, उसे झेलिए आप। हमने भी जीवन में झेला है, ये वीडियो देखते होंगे उन्होंने भी, कई लोगों ने झेला होगा, मैक्सिमम लोग झेलते हैं, तो आप उसे झेलिए। ऐसा कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती है, खास यही मेरी विनंती आपसे, रिलैक्स रहिए उस समय, थोड़ा सा ध्यान बांट लीजिए, कहीं धर्म में लगा लीजिए, मेडिटेशन में ध्यान लगा दीजिए, कहीं ना कहीं फोकस को चेंज कीजिए। वो पीरियड निकल जाता है, उसके बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, इतना रिलैक्स हो जाता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।